आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। यूपी में चुनाव की सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पार्टियों के नेता मैदान में उतरे हुए हैं। इसी कड़ी में भीम आर्मी के संयोजक चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि मुझे अगर जनता समर्थन देती है तो मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जांच कर उन्हें जेल भेजने का काम करूंगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर कोई और। गोरखपुर में बहुजन समाज के लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं। उपचुनाव आपको याद होगा, मैं फिर कह रहा हूं, यहां बहुजन समाज का वोट ज्यादा है। और अभी तो लोगों ने तैयार मन बनाया है, अभी तो मन बनाया है, परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। संगठन हमारा बूथ में मजबूत हो रहा है। आज हमारी मीटिंग है, अगले 5 दिन में हम दिखाएंगे कि हमसे बड़ा संगठन यहाँ बीजेपी भी नहीं होगा। यहाँ का निषाद समाज तैयार बैठा है अपने भाई को समर्थन देने के लिए। जब चुनाव परिणाम आएंगे आपको देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनावों को लेकर महोबा सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। कलेक्ट्रेट परिसर में चल रही मतदान प्रक्रिया को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल के अलावा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए। नामांकन दाखिल करने के बाद बिहार निकलने पर सपा प्रत्याशी का सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ नामांकन के दौरान सपा प्रत्याशी साथ मौजूद सपा बाबा साहब वाहनी के राष्ट्रीय सचिव हरि सिंह वर्मा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में दलितों और पिछड़ों का शोषण हुआ है। उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगार हैं और भाजपा सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है और सियासी सूरमा अपनी अपनी ताकत लगाकर यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में आगामी 20 फरवरी को तीसरे चरण में होने जा रहे मतदान प्रक्रिया महोबा जनपद में भी चल रही है, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी सहित कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल किया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी बाबा साहब वाहिनी के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव और महोबा हमीरपुर के एक चर्चित चेहरे के रूप में जाने जाने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरि सिंह वर्मा जी हैं। और जानते हैं कि आखिरकार क्या माहौल है इस बार सपा का। इस बार का चुनाव दो लोग लड़ रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी जनता, बाकी कोई दल चुनाव नहीं लड़ रहा। इस बार का चुनाव जनता और भाजपा में, इसमें सपा और बसपा या किसी कोई मतलब नहीं है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जब देख रहे हैं कि ये जनता के बीच में जाके जो संघर्ष और लड़ाई लड़ रही समाजवादी पार्टी, इसलिए जनता समाजवादी पार्टी के साथ। तो फिर अखिलेश यादव की बार बार स्टेटमेंट आते हैं सपा नेताओं की, कोई जिंदा प्रयास कर रहा है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई है सपा को? सपा को इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम, जिन्ना पाकिस्तान, यही मुद्दे हैं, यही शुरू से रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से आप विकास के मुद्दों पे, देश की आर्थिक व्यवस्था पे, देश की बेरोजगारी वाले मुद्दे पे, इन 2-3 जो स्वास्थ्य मुद्दों पे, किन्हीं मुद्दों पे आप बात कर लो, भारतीय जनता पार्टी के नेता 5 मिनट बोलने की क्षमता नहीं है। बीजेपी के ने वर्तमान प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी ब्राह्मण पर दाव लगाया है और समाजवादी पार्टी से भी एक ब्राह्मण चेहरा सामने है, तो ऐसे में क्या लगता है ब्राह्मण को लोभा पाएगी सपा? ब्राह्मणों का जिस तरह से शोषण हुआ है इस 5 साल में, चाहे खुशी दुबे का मामला हो, चाहे और जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, और जितना जिस तरीके से सरकार ने किया, अभी एक फोटो फेसबुक में चल रही है जिसमें हमारे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी बेचारे अपनी कुर्सी उठा के योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ से जा रहे हैं, वो भी डिप्टी सीएम है, जिस तरीके से अपमान कर रही है। बुंदेलखंड खास तौर से, क्योंकि यहाँ किसान भी परेशान रहा, पीड़ित रहा, और प्राकृतिक आपदाओं का इसका स्थायी कोई समाधान नहीं कर पाया, यहाँ स्थानीय मुद्दे क्या है रहेंगे इस चुनाव के? क्या मुद्दे आपको लगता है कि यहाँ के जो क्रेशर उद्योग था कवरई का, वो भी खनन नीति के चलते जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग के सरकार की, गलत खनन नीति के चलते ध्वस्त हो गया, लेकिन उसके अलावा आपको क्या लगता है कि एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ अन्ना पशु
है या बेरोजगारी है या क्रेशर उद्योग जो कि यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग था, मतलब मेन मुद्दा क्या है? देखिए, जो गांव की मेन समस्या है वो है रोजगार। बाकी ये जब जो अपना भाजपा ढोल पीटती है आवास और शौचालय देखे, ये इसके पूर्व भी जो सरकार नहीं सबने आवास और शौचालय दिए हैं। जितना पैसा इन्होंने आवास और शौचालय में खर्च नहीं किया उससे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार में पैसा खर्च किया। और ये जो है गरीबी इस देश से यदि दूर करने का उचित माध्यम है तो वह रोजगार का तरीका। रोजगार आप सारे संस्थान सब प्राइवेट में बेचते चले जा रहे हो, देश में जब कुछ बचेगा नहीं, सब आप प्राइवेट दे दोगे तो फिर किस बात का रोजगार रहेगा भाई? आप हमीरपुर महोबा जनपद में चर्चित दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, राजनीति करते रहे और उनके लिए आवाज उठाते रहे। आपको क्या लगता है कि आपके समाजवादी पार्टी में आने के बाद जो दलित समाज है वो बसपा से जो कुछ भाजपा में गया था वोट, वो दोबारा लौट करके सपा में आप लाने में सक्षम हो पाएंगे? वो भरोसा कर पाएगा आपके ऊपर? कल मैं लगभग 6 गाँव में घूमा और 6 गाँव में ही पूरा ऐसी बस्ती में गया हूँ और मेरी जो लोगों से बात हुई है, लोग वहाँ अपने आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हटाना भैया इसलिए जरूरी है कि ये पूरा संविधान बदलने की तैयारी में है, आरक्षण को समाप्त करने की तैयारी में है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना बहुत जरूरी है। और वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, इसलिए हम इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लड़ सब रहे हैं लेकिन लड़ाई भाजपा से कोई मुकाबला है तो वो समाजवादी पार्टी का मुकाबला है, बाकी सब कोरम पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समाजवादी पार्टी बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हरि सिंह वर्मा, जो आमतौर पर दलितों की राजनीति करते रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार दलित समाज समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर रहा है। आगामी 10 मार्च के चुनाव नतीजे बताएंगे कि इस वर्मा जी के दावों में कितनी सच्चाई है और जनता ने, दलित समाज हो या आम जनता हो, कितना समाजवादी पार्टी पर भरोसा करने में लोग इनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक वाजपेयी, प्राइम टीवी न्यूज महोबा। तीसरे चरण की चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत आज समाजवादी पार्टी सदस्य प्रत्याशी मनोज तिवारी जी ने अपना नामांकन दाखिल किया और हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे और सपा ने आपके ऊपर जो दाव लगाया है क्या लगता है? प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके प्रत्याशी बनाया। समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री, 1000 समाजवादी पेंशन और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो मुद्दे दिए हैं उनको लेकर हम जनता के बीच आए। बीजेपी ने भी एक ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाया जो वर्तमान विधायक हैं, क्या लगता है आपके लिए कितनी चुनौती रहेगी? समाजवादी पार्टी को आज समाज के हर वर्ग का समर्थन और आशीर्वाद मिला, सभी वर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करके समाजवादी पार्टी महोबा में सफल। आप का घराना एक दिग्गज राजनीतिक घराना जाना जाता रहा है और महोबा की पहचान आपके पिताजी के नाम से रही है, ऐसे में क्या लगता है कि जो आप पुराने राजनीतिक आपका जो गढ़ रहा है दोबारा से वो लोग आपके साथ आएंगे? हमारे साथ दादा के समय के दादा के लोग हैं, सबका मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, सबके आशीर्वाद ही से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो उन्हें मालूम है कि जो दादा की विरासत है, ईमानदारी की, काम की, उसी को हम निभा के आगे चलें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी समाजवादी पार्टी के सदर प्रत्याशी मनोज तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि हमारे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें कि तिवारी परिवार एक बहुत लंबे समय से दिग्गज राजनीतिक घरानों में से एक रहा है और मनोज तिवारी भी अपनी स्वच्छ, साफ और गंभीर छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आगामी 10 मार्च को इनके दावों में कितना दम है, जनता इन पर कितना भरोसा करेगी और अखिलेश यादव की साइकिल यहाँ से जीत कर लखनऊ जाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक वाजपेयी, प्राइम टीवी। बुलंदशहर में वन विभाग के तैनात वन दरोगा जीत भड़ाना पर सियासी खुमार दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि वन दरोगा ने वर्दी उतार सपा की लाल टोपी पहनी है। वन विभाग के दरोगा ने बुलंदशहर के प्रभारी और मंत्री अशोक कटारिया समेत भाजपा विधायकों पर जमकर आरोप लगाया। वन दरोगा ने बीजेपी के पक्ष में जबरन वोट डालने की भी बात कही है। बता दें कि वन दरोगा ने मवाना के करीमपुर गांव में सपा को ज्वाइन कर बुलंदशहर की डीएफओ को भेजा ऑनलाइन इस्तीफा है और वन दरोगा के इस्तीफे की घोषणा का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है।
ये कल शाम को ही हमको एक वीडियो मिला था जिसमें अजीत भड़ाना वन दरोगा जो यहाँ बुलंदशहर रेंज में तैनात हैं वो राजनीतिक टिप्पणी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है उनका। वीडियो प्राप्त होने के उपरांत उनको 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण आने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इस्तीफा उनका स्वैच्छिक इस्तीफा रेंज अफसर के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ है जिसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है जो वीडियो जो वायरल हुआ है उसकी और ये स्वैच्छिक इस्तीफे की जांच करेंगे उसके उपरांत की कार्रवाई की। खबर बांदा से है जहां पर भाजपा प्रत्याशी सदर विधायक ने नामांकन कराया। वहीं सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने नामांकन में उनके साथ पूर्व विधायक राजकुमार शिवहरे और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जगराम सिंह नामांकन स्थल पहुंचे। सदर विधायक भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन का प्रथम सेट दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आम जनता लड़ रही है और आम जनता कि इस लड़ाई को देखने के लिए आप इंतजार करिए 10 मार्च को जब रिजल्ट खुलेगा, है ना। कोई किसी से कहीं कोई मुकाबला नहीं है। डोर टू डोर प्रचार का मुख्य कारण क्या रहेगा? डोर टू डोर प्रचार तो हमने 17 में भी किया है, 5 साल भी हम डोर टू डोर रहे हैं, आवाज भी डोर टू डोर है। आम जनता के साथ कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ने आम कार्यकर्ता का भी अमूल चरित्र है, संगठन भी हमारे सभी। रामपुर कारखाना से बसपा प्रत्याशी बनाए जाने पर संदेश यादव का बसपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि बसपा प्रत्याशी 9 साल कांग्रेस में रहे और अब बसपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और साथ ही युवाओं को रोजगार दिलाने की बात भी कही। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। चरम सीमा पे है और आप मीडिया के लोग जानते हैं कि अगर सबसे बढ़िया शासन चला तो बहन मायावती जी जब 2007 से और 2012 तक मुख्यमंत्री थी तो बहुत सही ढंग से हर जगह हर बिंदु पे बहन जी का ध्यान रहता था और सरकार हम लोग की चली। इस समय महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, अभी रोड है, महंगाई है, इस गवर्नमेंट हर चीज़ भी बेच रही है, यही हम लोगों का मुद्दा है। और रामपुर कारखाना विधानसभा में क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने एक नया यंग आर्मी को उम्मीदवार बनाया है, हमारे पिताजी बहुजन समाज पार्टी में 1993 में विधायक हुए थे और बहन जी ने आशीर्वाद दिया है और निश्चित हम विधानसभा का। बुलंदशहर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र में एक 8 साल के मासूम बच्चे की अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों ने थाने में तहरीर दी है कि अपहरण की आशंका जताते हुए FIR दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने मासूम का शव नहर से बरामद किया। दिनांक 28 जनवरी को समय लगभग शाम के 4 बजे छतारी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक 8 वर्षीय बालक की किडनैपिंग हो गई है जिस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर हमारी थाना एवं सर्विलांस की 5 टीमें संयुक्त रूप से बच्चे की बरामदगी में जुट गई। एविडेंस के आधार पर आज 2 मुख्य अभियुक्त जिसमें निजाम सनफ बास मोहम्मद एवं शाहिद सनफ गुफराम को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई जिसमें मुख्य अभियुक्तों की निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद किया गया है। ये दोनों मुख्य अभियुक्त वादी के यहाँ कंपाउंडर का काम करते थे। 2 साल पहले वादी ने इन्हें इनकी की गई गलतियों की वजह से काम से निकाल दिया था। वादी का काम बहुत अच्छा चल रहा था इसी कारण कंपाउंडर की नौकरी से निकालने की वजह से और वादी का काम अच्छा चलने की वजह से ये इससे रंजिश मानते थे। पूछताछ में अन्य तथ्यों पर भी गंभीरता से जांच की जा रही है जिससे कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल ना जाए एवं कोई भी जो दोषी व्यक्ति है उन सबके खिलाफ सभी एविडेंस कलेक्ट कर आवश्यक विधिक कार्रवाई। खबर सोनभद्र से है जहां पर जिलाधिकारी के निर्देश में दुद्धी SDM प्रमोद कुमार तिवारी और पिपरी क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल ने रेडकूट के कई सरकारी देसी अंग्रेजी शराब और बियर की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया। SDM प्रमोद कुमार तिवारी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि कहीं बाहर से अवैध तरीके से लाकर नकली शराब तो नहीं बेची जा रही है। कुछ दुकानों पर अनियमितता भी पाई गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।
जी कोई अनियमितता नहीं, मामूली अनियमितता पाई हुई है जो दुकानों पे जो अनधिकृत सेल्समैन थे, तो जिनको बैठना चाहिए वो नहीं बैठे, बल्कि दूसरे बैठे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई। खबर बलिया से है, जहां विधानसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा ओम लता को टिकट देने पर भड़के कांग्रेस नेता। बता दें कि इस बात पर नाराज कांग्रेस नेता ने भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मेहनत करने वालों को नहीं बल्कि पैसा देने वालों को टिकट दे रही है और उस पैसे के लेन देन के चलते उसको टिकट दिया गया है, उसको लड़ाया जा रहा है और हम लोगों के साथ घोर अन्याय हुआ है। मैं इसका विरोध करता हूं और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं विरोध करता रहूंगा और करूंगा। अभी तक हमको पता नहीं है, सिर्फ ये पता है कि ओम लता जो है प्रत्याशी बन करके रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में आई हैं और कांग्रेस पार्टी के नेतागण पैसे के बल पर लाए हैं, ये कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने पर तुले हैं। ओम लता जी उससे इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि वो लड़की आज तक कहाँ थी ये भी नहीं पता था कि गाजीपुर में स्थानीय थाना पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो युवक आते हुए दिखे। पुलिस टीम ने युवकों को रुकने का इशारा किया और जिसके बाद पुलिस टीम ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 11 अवैध असलहा और 1500 रुपए बरामद किए गए हैं। आज रात में मुठभेड़ के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से अख्तर सना कयामुद्दीन है और ये भभुआ जिले का रहने वाला है और दूसरा जो लड़का है वो महावीर है और ये सेवराई का रहने वाला है। इनके पास से 10 अवैध असलहे मिले हैं और एक 30 की पिस्टल मिली है। कुल मिलाकर के 11 असलहे और 11 राउंड इनसे बरामद हुए हैं। ये यहाँ पर सप्लाई की। मिर्जापुर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया। साथ ही किसान यूनियन ने राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। किसान यूनियन के लोगों ने बताया कि देश में कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे आंदोलन को समझौते के समय कुछ मुद्दों पर किसान संगठनों और सरकार के बीच सहमति बनी थी, जिसके संबंध में कृषि और कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने 9 दिसंबर 2021 को लिखित सहमति पत्र भेजा था। इस पर प्रदर्शन करते हुए भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत सरकार से मांग की जा रही है कि 9 दिसंबर 2021 को घोषित समझौते को लागू किया जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग जो है 9 दिसंबर को जो भारत सरकार के द्वारा समझौता किया था बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए थे धरने पर, 9 दिसंबर को जो समझौता हुआ था उसको जो है लागू नहीं किया जा रहा है। केवल उसमें 3 कृषि बिल जो थे वो उसको वापस लिया गया, MSP पर कानून की गारंटी नहीं दी गई और किसानों के ऊपर जो दर्ज मुकदमे थे उसको वापस नहीं लिए गए और जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई जो गाड़ी से किसानों को मारा गया उसमें जो भारत सरकार के मंत्री हैं गृह राज्य मंत्री उनके ऊपर मुकदमा नहीं कायम किया गया और किसानों के ऊपर जो बिजली का बिल बढ़ाया गया उसको वापस नहीं किया गया और किसान शहीद किसान परिवारों को मुआवजे की राशि जो भारत सरकार देने की कही थी, इन सब मुद्दों को लेकर पूरे देश में और पूरे प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों जिला मुख्यालयों पर हम लोगों का धरना प्रदर्शन एक दिवसीय चल रहा है, जिसमें मांग की गई थी कि 9 दिसंबर को जो भारत सरकार के श्री संजय अग्रवाल जो सचिव थे उनके द्वारा समझौता किया गया था उन सब मुद्दों पर आज तक जो है कार्रवाई नहीं हो पाई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारा जो प्रदर्शन आज जिला मुख्यालय पर है। मऊ में जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो सदर विधानसभा पर मुख्तार अंसारी का नाम सबसे पहले आता है और लोगों में चर्चा भी होती है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ सदर विधानसभा से विक्रमजीत सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विक्रमजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब मुख्तार अंसारी का तिलिस्म टूट चुका है क्योंकि उस वक्त आम आदमी पार्टी नहीं हुआ करती थी और अब मुख्तार को पछाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी आ चुकी है। मेरा यह वादा है आप लोग सभी लोगों से कि जो कल्पनाथ राय जी के बाद से जो विकास की रथ रुकी हुई मऊ में, वो विकास की रथ हम जो है उनसे बेहतर पूरा करके दिखाएंगे, ये वादा है। और ये पार्टी भी हमारी वही कहती है
विकासवाद की पार्टी है, ये कोई जातिवाद की पार्टी नहीं है, न धार्मिक पार्टी है। हम लोग का सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है विकास का, और हम लोग वो विकास करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। साथ में जो भी लोकल मुद्दे रहेंगे हमारे मऊ जनपद के, उसको हम लोग सबसे ऊपर रखेंगे। उस मुद्दों को जल्दी से जल्दी जो है 2-4 महीनों के अंदर जो है उसको ख़त्म करेंगे। जो लोकल समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और जो भी यहाँ पे हमारे 2-3 मिले हैं जो बंद है, काफ़ी दिनों से पड़ी हुई हैं, उन मिलों को हम कोशिश करेंगे कि चालू हो जाएं, ताकि जो है तमाम हजारों परिवारों को नौकरी और जो है परिवार रोजगार मिल सके। खबर रायबरेली से है, जहां विद्यालय निरीक्षक पर जानलेवा हमला हुआ और फरार मिस होने से बाल बाल बची निरीक्षक की जान। बता दें कि शिक्षक नेता और विद्यालय निरीक्षक के बीच हुई जमकर मारपीट, जिसमें DIOS सहित कई लोग घायल हुए और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना ये हुई ब्रजेश तिवारी जो है नर्मदेश्वर इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने जो है अपने जो है ड्राइवर के साथ में, एक हमारे ऑफिस का ही कर्मचारी है उसके साथ में आकर के पूरा हमको मारने का प्लान बनाया। वो रिवॉल्वर लेकर के आया था, साथ में हथौड़ी लेकर के आया था लोहे वाली, और मैं अपने कार्यालय में बैठा था, मेरे साथ में जो है चीफ ट्रेजरी ऑफिसर जितेंद्र सिंह जी भी थे, और आकर के गाली दिया और गाली मुझे मारने लगा और रिवाल्वर तान दिया। रिवाल्वर उसने चलाया परंतु वो मिस कर गई मेरे ऊपर, नहीं तो आज मेरी डेथ पक्की थी। मारपीट के 3 केस आए हुए हैं, तीनों आपस में किए हुए थे मारपीट, मयंक सिंह, ओमकार राणा और राज पटेल, मारपीट आपस में हुई थी इनमें, तो यहाँ इंजरी नोट करके फर्स्ट एड करके घर गए। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, तब तक 3 लोग कमरे से बाहर बाहर की लाइट कटवा वगैरह करके सफारी से गिरोह बंद तरीके से आए थे और डियोस के साथ मारपीट करने लगे जो है। पीछे से मैंने जाकर के इनको पकड़ लिया वहाँ पीछे से, और मतलब इनको दूसरा शस्त्र निकालने का मौका मैंने नहीं दिया। जाते जाते बोल के गए हैं कि ये काम तुमने अच्छा नहीं किया है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर मेरी भविष्य में मेरी हत्या होती है या मेरे ऑफिस के किसी कर्मचारी की हत्या होती है, तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व श्री ब्रजेश तिवारी प्रधानाचार्य पर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चरखारी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित ने महोबा में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन दाखिल किया। कलेक्ट्रेट परिसर में चल रही मतदान प्रक्रिया को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल के अलावा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद बाहर निकलने पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित ने कहा कि आज तक चरखारी विधानसभा की जनता ने दादा और साहब को चुना था, अब मौका बेटा चुनने का है, तो निश्चित तौर पर मेरा विधानसभा परिवार इस बार बेटे को चुनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। निश्चित तौर पर मिलेगा मौका, क्योंकि अभी तक दादा और साहब को चुना गया है, आज मौका बेटा चुनने का है, तो मेरे ख्याल से विधानसभा परिवार पूर्ण रूप से आशीर्वाद देगा, बेहतरीन प्यार देगा, 100% मौका देगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। तो जब विधानसभा का मेरा परिवार अन्य लोगों को मौका देता रहा है, तो आज तो बेटे की बारी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।